साथियों को मेरा नमस्कार। महादेव क्लासेस टीजीटी पीजीटी आर्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बात करने जा रहे हैं कि क्या जाएगी EMRS की टीजीटी की फाइनल कट ऑफ, यानी कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको विस्तार में बताने जा रही हूँ कि जैसा आप देख सकते हैं कि इसकी जो है लगभग 3 लाख, कितने 3 लाख जो है कैंडिडेट जो थे उन्होंने इसमें आवेदन किया है। अच्छा, इससे जो है लगभग ये पड़ जाता है आपका, क्या बोलते हैं, इसमें 57-58 कैंडिडेट जो है पर सीट पर आपके आ जाते हैं। अब उसमें से काफ़ी VCO थे, तो हम SST की बात कर रहे हैं। किसकी? SST। इसमें जो थी 5,660 जो थी सीट थी कैंडिडेट के लिए, तो लगभग इसमें मान सकते हैं कि इसमें 80,000 के आसपास जो है SST में आवेदन किए होंगे। तो इसमें से आप ये मान सकते हैं कि अब जो है हर कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि एक रूम में जो थे लगभग 24 कैंडिडेट थे, 24 थे, और 24 में से 6 से लेके 10 तक जो है स्टूडेंट जो है अब्सेंट पाए गए हैं। यानी 6 से 10 स्टूडेंट हर में अब्सेंट है। यानी इस तरह से लगा सकते हैं कि 30% स्टूडेंट जो है वो क्या होगे, आपके अब्सेंट होगे। तो कितने बचे जो थे, उनमें से 70% बचे। अच्छा, उन 70% में से लगभग जो थे 25-30% जो स्टूडेंट थे वो लैंग्वेज का सेक्शन जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो अगर 25-30 में से अगर 25 भी घटा लिया जाए तो किस में से, 70 में से, तो आपके बच जाएंगे लगभग 40, 30 घटा दिए, 30 घटा दें तो बच जाएगा आपका 40% या 45%। अगर 25 घटाते हैं तो ये मान लो आपके 40 से 45% जो है कैंडिडेट इसमें बच गए। अब देखते हैं, तो मेरिट जो है हाई तो जाने वाली है नहीं, आपको पता है। तो इसमें जो है आपका जो है जनरल कैटेगरी में है तो वो आपके जो है 75+ जो हैं या 75 के आसपास जो हैं वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है OBC। OBC के कैंडिडेट जो हैं वो अपने आप को 72+ पर जो है सेफ महसूस कर सकते हैं। EWS अगली जो थी, EWS कैटेगरी की जो है वो अपने आप को 70+ जो हैं वो बिल्कुल सेफ महसूस कर सकते हैं। अच्छा, फिर बात करते हैं हम SC की। SC कैंडिडेट जो भी हैं वो 65+ जितने भी हैं वो सभी सेफ महसूस कर सकते हैं। और ST कैंडिडेट जो हैं, ST जो हैं वो 60+ जिनके भी हैं वो सेफ महसूस कर सकते हैं SST के लिए। तो ये जो था सारा, मैंने SST का एनालिसिस करने और जो जिन जैसे भी मुझे जानकारी प्राप्त हुई उसके माध्यम से आपको बताया। जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।